कैसे जाते होंगे लोग यहाँ से। थोड़ा सा हम आगे जाके देखते हैं। सूरज जो है वो ढल गया है ना, मतलब एज पर जैन मेरा खाने का समय ख़त्म हो गया है। आई फूड ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे। नंबर वन, नंबर टू पिज़्ज़ा जो है वो बहुत महंगा है यहाँ का। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से चलते चलते आए थे, यहाँ आए और यहाँ से हमारा जो है एग्ज़िट है, तो यहाँ से हम और आगे जाएंगे। वहाँ एक छोटा सा घर दिख रहा है, तो कभी आप आते हो तो थोड़ा रास्ता ध्यान रखो। समझ में नहीं आता ना यहाँ कोई बीच पे, तो और कुछ वो उन्होंने लगाया नहीं है, लिखा नहीं है कहीं पर, बोर्ड नहीं लगाया, वो होता है ना साइन बोर्ड। तो ऐसा था, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, बस बीच में तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ धूप है और अंदर तो जा नहीं पाओगे आप, वेव बहुत ज़्यादा हैं। स्विमिंग करनी आती किसी को तो बात अलग है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे, चारों तरफ पहाड़ है। तो दोस्तों चलते चलते देखो हम कहाँ आ गए, कुछ तो घर जैसा है, मुझे ये लग रहा है कि गलत ना आ गया हूँ, है ना। तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ आ गए, यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि यहाँ आप रुकना नहीं, क्योंकि ये सब जो है कमज़ोर है। ये सारा पता नहीं कहाँ जंगल में आ गया है अपना, वो ही दूसरा ही वे सही था। यू सब इन जी आनो। तो दोस्तों यहाँ पे एक परिवार है जो घूम रहा है, माता जी हैं और बच्चे हैं। तो वो हमसे जो है पूछने लगे थे कि भैया चैनल का क्या नाम है, तो हमने बता दिया उनको, है ना। इन्हीं के साथ हम लोग भी जा रहे हैं, ये जंगल में तो थोड़ा अकेले अजीब से ही लग रहा है मेरे को। मैंने गलती करी उसी उससे आना था, कि कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ हम लोग भी कट लेंगे यहाँ से, है ना। तो वो भाई ने मुझे आवाज़ लगाई, वो बच्चा जो है टी शर्ट में, बोला भाई तुम्हारे चैनल का नेम क्या है। मैंने भाई टाइप कर दिया उसको और बस। तो बस अभी जो है निकल रहे हैं हम। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकले हैं, ठीक है। ऐसा होता है यार, इधर का उधर हो गया बस। मतलब मैंने क्या किया, मैं दूसरे रास्ते से गया था और फिर दूसरे रास्ते से वापस आया हूँ। दोस्तों देखो कहाँ आ गए हम लोग, वहाँ से निकले, एक बीच से हम लोग निकले और दूसरी बीच पे आ गए, ठीक है, दूसरे छोर पे आ गए जहाँ पे हम लोग हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा, अच्छा हाँ बिल्कुल सही जगह है, अब मुझे पता चल गया। अच्छा ये देखो ये है और वहाँ हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो वो बीच आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे वही है टर्मिनल, यहाँ पे लिखा हुआ है, है ना। 800 मीटर लगभग, हम ये समझ लो एक किलोमीटर से ज़्यादा ही चल लिया है मैंने। ये जो मैं आया हूँ 800 मीटर है, और यहाँ से जब वहाँ गया था फिर वहाँ तक गया वो, तो 2.5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर चल लिया आऊँगा मैं। सही है भीड़ू, अच्छा लग रहा है यार, कुछ नया एक्सपीरियंस है, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे खाने पीने का भी है सब, यहाँ पे वो भी है, एक शॉप है, बाद में हम देखेंगे। मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ वेव नहीं है कोई, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे नाव है, लोग पानी में ज़्यादा जा नहीं रहे। यार मुझे लाइव करना था, वहाँ नेटवर्क ही नहीं था, अब क्या करूँ मैं। वो जो गुफाएं थी वहाँ नेटवर्क ही नहीं था साला, अभी मैं क्या करूँ, यहाँ से ही करेंगे लाइव, देखते हैं। हनी आइलैंड इलिया दो मेल पे हैं हम लोग, और एक्सप्लोरेशन का टूर को आगे बढ़ाते हुए अभी हम सीधे जाएंगे। अभी हम इस साइड गए थे और वो गुफाएं
हमने देखी थी, फ़ोटोज़ निकालनी थी। वहाँ जा सकते हो आप भी, कभी आते हो तो वो जगह फ़ोटो वोटो निकालने के लिए ही है ना। पानी का वो वेव्स बहुत ज़्यादा होने के कारण हम जा नहीं पाए वहाँ पे पानी के अंदर, उसका भी कुछ इंतज़ाम करेंगे यार। नहीं साला मैं यहाँ आया इतना दूर तक और पानी में अंदर नहीं जाऊँगा, मज़ा नहीं आता ना। देखेंगे अभी हम सीधे जाएंगे और देखेंगे क्या है। तो दोस्तों वहाँ कुछ है देखने का वो पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर रही थी वहाँ दीवार पे, मैंने उससे पूछ लिया। उसने कहा यार वहाँ लास्ट तक जाओ, देखो क्या होता है, प्रॉपर जगह होनी चाहिए, वो चढ़ाई वढ़ाई का होगा तो लफड़ा हो जाएगा भाई। आगे तक अपन जाके देखते हैं है ना क्या है। आई होप कि प्रॉपर हो वो जगह। उसने कहा वो पत्थर रखे हैं ना, वहाँ तक जाओ बीच के एंड में, वहाँ से पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ आ गए हम बिल्कुल अंत में, देखो कहाँ से है वो रास्ता। आई होप कि चढ़ाई वढ़ाई का ना हो, नहीं तो फिर लफड़ा होगा उसमें, क्योंकि अभी कैसा शाम हो गई है ना, फिर रात हो जाएगी। यहाँ से जा सकते हैं अपन, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फरोल जी अनकंतादास, यहाँ पे लगा हुआ है ये है ना, साइन बोर्ड है। आई होप कि हमें मिल जाए, और अभी कैसा सूरज ढलने वाला है, जब रात हो जाएगी। भाई अकेले होने का यही सब लफड़ा होता है यार। यार यहाँ तो लफड़ा ही है, ये तो मुझे मैटर ही लग रहा है यहाँ जाने में। देखो भाई यहाँ से जाते हैं ये लोग चढ़ चुड़ के, न जाने कैसे जाते होंगे। ये लोग कैसे जाते होंगे भाई चढ़ चुड़ा के इधर। यहाँ से आगे रास्ता है क्या? ये तो झोल है यार, ये तो साला कैसे जाते होंगे लोग यहाँ से। थोड़ा सा हम आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे तो भाई लफड़ा ही है, यहाँ पे जगह नहीं है चढ़ने की। पता नहीं ये लोग कैसे जाते हैं यहाँ पे, छोड़ो जाने दो। क्या होता ना, कोई जानकार व्यक्ति होता यहाँ का जा साथ में लेके जाता, अब मैं अकेले कहाँ जाऊँ, पता नहीं कैसा क्या है ऊपर। यहाँ कोई एक दो जन होते तो मज़ा आता है सब चढ़ने वढ़ने में। देखो पानी यहाँ तक आ रहा है, वो तेरी कल्टी मारो रे यहाँ से ये होता है अभी पानी जो है। तो दोस्तों यहाँ से हम अभी वापस जाएंगे और थोड़ा आगे जाके बीच पे देखते हैं क्या है। अगर कुछ नहीं होगा यहाँ पे और तो हम प्लान करते हैं फिर कल सुबह उठ के हम आइलैंड के पीछे साइड चले जाएंगे बोट करके है ना। तो और कुछ नई चीज़ भी आपको दिखा देंगे। अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे। तो दोस्तों 5:26 हुए हैं, सूरज जो है वो ढल गया है ना, मतलब एज पर जैन मेरा खाने का समय ख़त्म हो गया है ऐसे किडिंग है ना, जोक मार रहा हूँ, थोड़ा ऐसी मस्ती कर रहा हूँ। तो सूरज ढल चुका है, बहुत सही है बीच, ये बहुत मस्त व्यू आ रहा है। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सिल्वर है बीच है ना। तो ये है हमारा जहाँ हम रुके हुए हैं, इट्स अनबिलीवेबल दोस्तों, इट्स अनबिलीवेबल। देखो पानी जो है शाम को 5 बजे ऊपर तक आ गया, वहाँ पानी नहीं था, वो ऊपर ऊपर तक यहाँ यहाँ तक आ रहा है। तो बहुत अजीब लगा मुझे ये,
वैसे ये मैं जहाँ हूँ ये दूर है थोड़ा बीच से, तो इतना नहीं आएगा, है ना। मुझे कुछ देखना पड़ेगा डिनर का क्या है यहाँ पे, है ना, तो उसका भी अपने को कुछ करना पड़ेगा। कुछ देखो डिटेल आपको दे देता हूँ, आई फूड ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे, नंबर वन। नंबर टू, ये जो आइलैंड है यहाँ पे कोई आपको टैक्सी या कार है ही नहीं यहाँ पे, जो भी है पैदल चल के सब करना है, ओके। या फिर साइकिल से लोग जाते हैं। अगर मुझे आइलैंड के दूसरे साइड जाना होगा, बिल्कुल अलग ही है वो, तो मुझे फिर यहीं से वो बोट शॉर्ट करनी पड़ेगी, है ना, फेरी होगी जो भी होगी, या फिर मुझे पूरा आइलैंड क्रॉस करके पैदल चल के जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें वो, है ना। तो ये लफड़ा है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो आपको क्या करना है, दो तीन दिन निकालो और यहाँ रुक सकते हो, और फिर पीछे वाला जो पार्ट है उसको ब्राज़ीलिया बोलते हैं, ये एनकंतादास है जहाँ हम हैं, तो ऐसा है। फिर आप जा सकते हो बोट करके, पीछे भी चले जाओ। तो दोस्तों दूसरी बात ये, वहाँ काउंटर था बोट का, तो मैंने बात की थी उनसे, तो वो ये बोल रही थी कि पूरे आइलैंड का टूर, पूरे आइलैंड का चक्कर लगाने का 80 रियाल है, और अगर कार्ड से पेमेंट किया तो 90। वो आपको सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पे लेके जाएंगे और लेके आ जाएंगे आपको। ये था प्रॉब्लम, ये है ना बात, पैसे की नहीं, बात ये है वो 3-4 घंटे की है। बोट से आप 3-4 घंटे पूरा आइलैंड का चक्कर लगाओगे, घूमोगे फिरोगे, ये होता है। इसीलिए टाइम आप ज़्यादा लेके आओ, मैं तो पता नहीं वो कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि बेटा टाइम नहीं अपने पास। आज का है, आज का तो दिन ऑलमोस्ट ख़त्म है, अब तो कुछ नहीं है, ठंड हो गई, अब ठंडा हो गया मौसम, और कल सुबह उठूँगा फिर, कल देखते हैं। अभी मैं और पूछूँगा किसी से और क्या कर सकते हैं। कल मैं ये सोच रहा था कि 1 बजे का जो होगा ना ये बोट, 1 बजे की से निकल जाऊँगा, 2:15 बजे की जो है वो है बस, तो मैं 4 बजे कुर्तिवा पहुँच जाऊँगा, ये मैं सोच रहा हूँ। और अगर एक्सटेंड हुआ तो फिर 2 बजे की बस अगर नहीं पकड़ी तो फिर सीधे 5:45 बजे की है शाम को, तो वो सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है, है ना। वो तो जगह सही थी जहाँ घूमने का, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुआ है आके, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत कुछ होगा और कुछ खास मज़ा नहीं आया, मतलब जैसा मैं सोच के आया था वैसा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं है। यहाँ तो मुझे कोई बंदा दिखा ही नहीं साला बीच में जाते हुए, यहाँ पे सिर्फ नाव है, है ना। और अब यहाँ पे थोड़ी वेव्स हो गई हैं, पानी ऊपर आने लगा है, तो बस यार ऐसे ही है। अभी देखेंगे, पूछेंगे खाने पीने का क्या हिसाब है यहाँ, और नाश्ता तो है नहीं यहाँ पे, तो नाश्ते के लिए मैं लेके आया था। यूजुअली ये जो पौजादाज हैं इसमें नाश्ता भी रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं था। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं अपने ब्रेड हैं, पीनट्स हैं, बिस्किट्स हैं, वो लेके आया साथ में, हैं। तो बस मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज रात की जो है हमारी ये हनी आइलैंड पे बीतेगी। और एक और चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे लाइट्स नहीं है रोड पे, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और जो पब्लिक एरिया है ना, जैसे बीच है या कहीं जाना है, तो स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो ये एडवाइस किया गया है किसी वेबसाइट पे कि आप टॉर्च लेके आओ, है ना। अपने पास तो भाई रात को तो मेरे को जाना ही नहीं है, अगर कहीं खाने वाने जाना होगा तो मोबाइल का टॉर्च चल जाएगा, है ना। तो अभी थोड़ा हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं खाने पीने का क्या हिसाब है, और फिर देखते हैं अपन। मैं वहाँ जाने का सोच रहा था आपको आगे और दिखाने का, लेकिन साला पानी ऊपर आ गया, तो अब क्या करोगे आप। तो दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट डे यहाँ पे एलियादो मेल में, और रात हो चुकी है, 6 बजे होंगे अभी, और बस अंधेरा हो गया है। मैं बस पिज़्ज़ा ले रहा हूँ यहाँ से और घर जा रहा हूँ अपने रूम में, ठीक है। थोड़ा हेडेक हो रहा है मेरा, क्योंकि सुबह उठा था मैं, और फिर धूप में ट्रैवल ये सब, थोड़ा हेडेक हो रहा है। लेटा था तो अच्छा लग रहा था, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सब क्लोज हैं, क्योंकि ऑफ डे है। सैटरडे संडे को ज़्यादा सही रहता, तो सैटरडे संडे ही, फ्राइडे सैटरडे संडे ही आओ आप। मैं तो भाई घुमक्कड़ हूँ, है ना, हमको तो एक्सप्लोर करना था, तो
मेरे लिए तो ऑफ डे ही सबसे सही है, वीकडे ही सबसे सही है, कम भीड़ भाड़ है, घूमो फिरो, है ना। पिज़्ज़ा जो है वो बहुत महंगा है यहाँ का, 50 रियाल है और साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक है। मीडियम जो पिज़्ज़ा है 50 रियाल, उसमें साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक है। महंगा है लेकिन ठीक है, क्योंकि 2 उसमें कोल्ड ड्रिंक भी दे रहे हैं वो। और मैं दूसरे रेस्टोरेंट गया था, वहाँ तो और ज़्यादा है, 55-60 रियाल का है। वहाँ पे जो खाना हम खाते हैं वही 50-60-70 रियाल का है। तो यार ये हो जाता है, आप हॉलीडे डेस्टिनेशन पे आते हो तो रेट्स जो है वैसे ही मिलते हैं। कोई इशू नहीं है, ये एक पिज़्ज़ा रिया है, यहाँ पे पास्टल भी मिलता है, यहाँ पे और भी चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना। तो ये बिल्कुल सामने है, जो जहाँ से हम उतरे थे ना, वहाँ से हम उतरे थे और उसके सामने ही है जगह। तो यहाँ पे बस अभी पैक करेंगे, पेमेंट करेंगे और भैया ले जाएंगे, रूम में ही खा लेंगे, रूम में ही रख देंगे, बच जाएगा, कल खा लेंगे नाश्ते में कुछ। कल का मैं देखता हूँ, फिगर आउट करता हूँ क्या करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ ज़्यादा है नहीं। अब फिर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं आइलैंड के दूसरे छोर पे जाऊँगा तो कितना टाइम लगता है, कैसा क्या है, वो सब मैं देखता हूँ। और फिर कल जाएँगे बढ़िया, है ना, जल्दी उठ जाऊँगा मैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।